अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक डिश डाइम। आज की मेरी रेसिपी है कोफ्ते की कढ़ी की। कोफ्ते वाली दही की कढ़ी बनाएंगे हम, बहुत ही डिलीशियस बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको बराबर से मिल जाए। चलिए रेसिपी की तरफ आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ देखें, मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स कर्ड लिया था और 3 टेबलस्पून ही भुना हुआ मैं यहाँ पर बेसन ऐड कर रही। इसको अच्छा ब्राउन होने तक मैंने भून लिया था। और 1 टीस्पून यहाँ पर जीरे पाउडर के ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर के और 1/4 टीस्पून हल्दी के, और इसको अच्छे से हम अब ग्राइंड कर लेंगे। और चलिए अब तड़के की तैयारी करते हैं कढ़ी की। तो यहाँ पर मैंने राई और जीरा ऐड कर दिया था 1/2 टीस्पून, और एक प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया था, और साथ में करी पत्तों को ये हम ऐड करेंगे, और थोड़े से हम ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे। साथ ही थोड़ा सा 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर सॉल्ट के ऐड कर रही हूँ, बाद में एडजस्ट करेंगे सॉल्ट, और अच्छे से इसको सॉटे कर लेंगे ब्राउन होने तक प्याज को। तो प्याज यहाँ पर ब्राउन हो गई है। अब मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून नियरली जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी और अच्छे से सॉटे कर लूंगी इसको। और चूल्हे को बंद करके हम इसमें कर्ड ऐड करेंगे, क्योंकि फिर फटने का डर रहता है कर्ड का। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए कड़ी की उतना वाटर आप इसमें ऐड कर लो। मैं यहाँ पर 2 ग्लास ऑफ वाटर ऐड कर रही हूँ, बाद में जरूरत पड़ी तो फिर मैं ऐड कर दूंगी। चलिए अब हम कड़ी को अच्छे से यहाँ पर कढ़ने देंगे, और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैं रख छोड़ूंगी। अब हम कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं। और जब मैं कोफ्ते बनाने लग गई थी तो फिर कैमरा ऑन करना ही भूल गई मैं। तो यहाँ देखें, मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर के, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लाल मिर्च के ऑलरेडी ऐड कर दिए थे, वो कैप्चर नहीं हुआ यहाँ पर। और फिर 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर के ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, यहाँ पर ले रही हूँ नियरली 2 टेबलस्पून भुने हुए बेसन के। अच्छी सी बाइंडिंग होगी इससे कोफ्तों की। और कुछ हम कोथमीर और पुदीने के लीव्स ऐड कर देंगे, और यहाँ पर मैंने 3 से 4 ग्रीन चिलीज को स्लिट करके ऐड कर दिया है। इन सारे चीज़ों को अब हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमको बिल्कुल वाटर ऐड नहीं करना है, और थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों पर लगाकर इसके अच्छे हम बॉल्स बना लेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये कढ़ी, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह मैं अब सारे कोफ्तों को प्रिपेयर कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें एक नींबू भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं शैलो फ्राई ही कर रही हूँ कोफ्तों को, डीप फ्राई नहीं कर रही। तो इसको अच्छे से फ्लिप करते हुए हम ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। Thank you.
यहाँ देखें अच्छे से ब्राउन होने को आ गए हैं और 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको और अच्छे से ब्राउन होने में। उसके बाद फिर मैं इसको पैन से निकालूंगी। देखिए यहाँ पर कढ़ी को कढ़ते हुए अच्छे से 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब इस पे हम एक बार और फिर से बघार लगा देते हैं। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून फिर से मैंने ऑयल ऐड कर लिया है और फिर इसको मैं ड्राइड रेड चिलीज और थोड़ा सा जीरा और करी पत्ता और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करते हुए बघार लगा देते हैं। लाल मिर्च आप जो है चूल्हे को बंद करके ऐड करें, वरना फिर उसका कलर सही से नहीं आता है, ब्लैक हो जाता है। तो मैंने चूल्हे को बंद किया और फिर मैंने रेड चिली ऐड की है। तो उस पर लग गया है बघार, देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है इस पर। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें हम कोफ्तों को ऐड कर देंगे और फिर 10 मिनट तक इसको कोफ्तों के साथ हम पकने देंगे। उसके बाद मैं आपको फिर सर्व करके बताऊंगी। देखिए हमारी कोफ्ते वाली दही की कढ़ी बनकर रेडी है। कितनी टेम्पटिंग और डिलीशियस लग रही है। आप इसे पराठों के साथ या फिर वाइट राइस के साथ खा सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलूंगी फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।